हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y33s एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है फ्लैश नोटिफिकेशन सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लैश नोटिफिकेशन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैश नोटिफिकेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा फ्लैश नोटिफिकेशन का। इसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो इनकमिंग कॉल, दूसरा मैसेज का। इन दोनों के सामने एक एक बटन दे रखा है, इन बटन को आपको टैप करके ऑन कर देना है। ये दोनों बटन ब्लू कलर में ऑन हो जाएंगे। अभी सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन पर कभी भी कॉल आएगा ना, इनकमिंग कॉल, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैक साइड पर रियर कैमरा होता है वहाँ से आपकी फ्लैश लाइट फ्लैश करेगी इनकमिंग कॉल आने पर, ठीक है। और आपका दूसरा मैसेज आने पर, मैसेज कौन सा, ये जो आपका टेक्स्ट मैसेज का ऐप होता है ना, इस मैसेज का मैसेज आने पे आपके मोबाइल फोन के रियर कैमरे से भी आपकी फ्लैश लाइट फ्लैश करेगी, ठीक है। एक तो ये मैसेज आने पे और दूसरा कॉल आने पे, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ऐसे काम करती है फ्लैश नोटिफिकेशन। अब मैं आपको ये फ्लैश नोटिफिकेशन सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है, सेटिंग पेज को आपको है ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सेटिंग पेज को ओपन करते हैं, सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है फ्लैश नोटिफिकेशन, ठीक है। आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा फ्लैश नोटिफिकेशन का इस तरीके से। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे सर्च बार में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।